पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दियां सारियां प्रीख्यावां दे फॉर्म फिल करने शुरू हो चुके ने, घबराना नहीं है। अज तो जे देखदे हो तां डेट काफ़ी है, 30/9/2023 तक ये फॉर्म बिना लेट फीस के भरे जा सकते हैं। जेकर तुसी फॉर्म फिल बी एड दे अडिशनल करना चाहते हो, बी ए दा अडिशनल करना चाहते हो, वो ये शामिल ने। सो तुहानू अपना डिसीजन लैन तो बाद, डिसीजन आराम ना लो, हजे टाइम है, डिसीजन लैन तो बाद ये फॉर्म भरन की प्रक्रिया विचों गुजरना पेगा। सो सब तो पहला जा हाँ, जे वो फॉर्म भरन की प्रक्रिया जब बारे रिलेटड क्वेश्चन के फीस किन्नी है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इसका प्रक्रिया है की है, इसके पेपर किवें होंगे, सिलेबस किदा है, डेट शीट के है, इस दे बारे जो भी जानकारी है वो नीचे दिते गए लिंक दिते हुए ने। पहला तो ये वीडियो बनाई हुई हैं, तुहानू दसदा अडिशनल पेपर ग्रैजुएशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ये लिंक नीचे दिता गया है। दूसरा ये जो चल रही है वीडियो ये बी एड बारे है वीडियो, ये तुसी देख सकते हो। लेकिन हुण देख लीए कि पंजाबी यूनिवर्सिटी ने जो डेट्स की दित्तियां ने, तुसी जाना है खुद भी दे सकते हो। pupexamination.ac.in ते जाके पेज खुल जाएगा। पेज खुलन तो बाद ये बाद दी जानकारी है कि तुसी लॉगिन करना है, फॉर्म फिल करना है। ये डिफरेंट तो वीडियो दे दांगा, नवे स्टूडेंट ने लॉगिन किस तरह करना है, ऑलरेडी जे रजिस्टर हो किस तरह लॉगिन करना है, सिंपल प्रोसीजर है, तुसी खुद कर सकते हो। लेकिन इत्थे इंपॉर्टेंट नोटिस ते आपां गए हैं और पहले तो क्लिक किया है जिहड़ा साडे नाल संबंधित है, जिसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इहदे विच की है कि मितियां दित्तियां गईयां ने, उते नोटिस की लिखिया है, सैशन दिसंबर 2023 दियां समेस्टर प्रीख्यावां दे सारे कोर्सां दा मतलब है कि बीएड बीए दे सारे आ गए। प्रीख्यावां लई प्रीख्या फार्म अते प्रीख्या फीस भरवाउण लई हेठ लिखे अनुसार शड्यूल निर्धारित किया गया है। पहले नंबर पर है 30/9/2023 4 बजे तक बिना लेट फीस दे। इट मीनस अज तो जे तुसी सोचते हो हजे तुहाडे कोल लगभग 1.5 महीना पिया होया है ना, ते जे कोई लेट सोचता है, देखो मैं कदे वीडियो शेयर करन नूं नहीं कहा, करियो भी ना बेशक, है ना, अपनी मर्जी करनी है, जो अच्छा लगे वो उठाना है, जो अच्छा नहीं लगता वो उठाना नहीं है। जे तुहानूं ये पता लगता है पर अपने साथियों नूं जरूर दस दिओ, जो जो कि कोई वेट कर रहा हो सकता है, मैसेज नूं कम्युनिकेट कर, वीडियो कम्युनिकेट करन नूं नहीं कह रहा कि लास्ट डेट है, अदरवाइज उस तो बाद 1/10/2023 तो 22/10/2023 तक 1000 रुपया फीस पेगी, और उस तो बाद 23/10/2023 तो 30/10/2023 तक 20,000 लेट फीस है। सो इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं? नीचे जो इंस्ट्रक्शन दित्तियां गई हैं, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाली, जिस विद्यार्थी का दाखला यूनिवर्सिटी नियमानुसार लेट हुंदा है, फॉर एग्जाम्पल तुसी बी एड का मान लो चल रहा है, या बी ए का बी एड का मान लो लेट हुंदा है, कि काउंसलिंग प्रोसीजर जो है इन्हां डेट्स तो लेट हो जाती है, तो वो लेट विद्यार्थी लिए ये डेट्स रिलैक्स होणगियां सिर्फ 10 दिन लिए। उसकी एडमिशन होने के बाद, वैसे वो इंस्टीट्यूट का काम है, तुहाडा काम नहीं है, मान लो बी एड कॉलेज में एडमिशन हुई है, लास्ट पर तुहाडी हुई है थर्ड काउंसलिंग जां ओपन विच जां किसी भी तरह लेट हुई है, तो वो 10 दिन के उस इंस्टीट्यूट ने फॉर्म भरने होंगे। जे उस तो बाद लेट होंगे हाँ तो लेट फीस भी पेगी, तो नाल ही ये वाला शड्यूल लागू होएगा उस पर। सो ये गल पहले कॉलम की गई है कि जिस विद्यार्थी का दाखला यूनिवर्सिटी नियमों अनुसार लेट होंदा है, वह विद्यार्थी उस कोर्स के दाखले लिए यूनिवर्सिटी वालों निर्धारित आखिरी मिति तो 10 दिन के प्रीख्या फार्म बगैर लेट फीस जे जमा करवा सकेगा। इस तो बाद उस वक्त का लेट फीस का चलंत शड्यूल लागू होवे। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट जे कहना है, सैशन 2023 की प्रीख्या फार्म के समिस्टर इतने स्पष्ट कर दिता जाता है कि दिसंबर 2023 के समिस्टर के पहला पेपर की प्रीख्या, ना के क्लास वाइज पहले पेपर की प्रीख्या, दियां प्रीख्यावां शुरू होने दे 2 दिन तक यूनिवर्सिटी नियमां अनुसार करैक्शन करवा ली जाए। मेरे ख्याल साडे नाल नहीं है ये, जे करैक्शन लास्ट तक है
पेपर शुरू होने के बाद कोई करैक्शन नहीं होएगी, पेपर शुरू होने तो बाद ते रिजल्ट निकलन तो पहला 5000 लगन गए। मेरे ख्याल इतने डिस्कस कर योग नहीं है। 30/10/2023 तो बाद कोई भी फॉर्म नहीं लिया जाएगा। सो इतने स्पष्ट हो गया है कि असी फॉर्म की लास्ट डेट की है। जे तुसी बीए दे फिल करने हन, जेड़ा फॉर एग्जाम्पल SST दे विद्यार्थी हैं, सिर्फ हिस्ट्री की हुई है, उसने पोलिटिकल साइंस पढ़ना है, जो जो इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, अडिशनल पेपर ये दस दवा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पंजाब पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नहीं लेंदी। इस दे लिए डिटेल समझनी है तो वीडियो जो लिंक नीचे दिता गया है उसनों देख सकते हो, तुहाडे सवालों के जवाब हैं। हाँ जी, तुहाडा होर कोई नवा सवाल है तो उसका जवाब भी दे देवांगा। एक होर जानकारी कि जेकर तुहाडे बी एड कर रहे हो तो नाल बी ए कर रहे हो तो कलैश की संभावना है, उस डेटशीट भी मैं दोनों पा देवांगा ता जो तुसी कंपेयर कर सको, मैनू याद करा देना। तो इस रिस्क जड़ा है यूनिवर्सिटी कहती है कि बच्चे का खुद होएगा, लेकिन एक प्रोविजन है, मेरे को क्लीयर नहीं है, क्लीयर होने ही तो पा देंगा कि जे कलैश करता है तो यूनिवर्सिटी ने शायद प्रोविजन रखी है कि उस बच्चे का स्पैशल टैसट ले लिया जाए। सो मेरे ख्याल कई अजिहे स्टूडेंट ने जिन्होंने दो पेपर भी देने पैने, दो पेपर भी तुसी दे सकते हो, ये सारी जानकारी उस वीडियो है तुसी देख लेना। ठीक, दूसरा तुसी बी एड का अडिशनल देना चाहते हो उस प्रोसीजर समझ लेना चाहिए है, उस वीडियो दस्या गया है, नीचे लिंक दिता गया है। पहला एडमिशन कॉलेज में होंगी है, कॉलेज में वक्री फीस लगती है, उस तो बाद तुसी अटेस्टेशन वगैरह करवा के जो भी फॉर्मैलिटी है फीस यूनिवर्सिटी जमा करवाते हो, फिर तुहाडी बी एड किसी भी प्रैक्टिकल दी जिहड़ा अडिशनल देना है वो पहला कॉलेज में एडमिशन होंगी है, नॉन प्रैक्टिकल या थेरेटिकल तो सीधी यूनिवर्सिटी फीस जमा होंगी है। सो इस रिगार्डिंग तुसी उत्थे जानकारी वीडियो विच देख सकते हो। इत्थे कुछ भी होर देखना है, फॉर एग्जाम्पल आप चलते हाँ, जे तुसी फीस देखनी है, फीस ते फीस डिटेल क्लिक कीती और फीस खुद देख सकते हो, है ना। मैं जो पहला पता कीतियां सी उहदे मुताबक ये बी एड है, तुसी मेरे ख्याल च मैं अडिशन का वीडियो बना रहा हाँ। हाँ, ए बी ए अडिशनल प्राइवेट है, एप्लीकेशन प्रोसैसिंग फीस 120 रुपए लिखा है, समिस्टर फीस इतने लिखी हुई है 8904, कंटिन्यूएशन फीस कोई नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली फॉर सैम वन अदर दैन पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंडीडेट, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी बाद एक गल होर कि जे तुसी ग्रेजुएशन कितों होर की हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो विच जानकारी दी हुई ग्रेजुएशन कितने होर की हुई है जे तो पंजाब दे विद इन है, फिर किसी भी ईवन तुसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो की हुई है, PTU तो की हुई है, तो ये अडिशनल पेपर इतों दे सकते हो। कमर्स तुसी होर कितों पंजाब दे विच विच की हुई है तो तुसी अडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश देना चाहते हो इतों दे सकते हो। सो उहदे 800 रुपए होणगे जे पंजाबी यूनिवर्सिटी तो पहला तो रजिस्टर्ड नहीं है। वेरीफिकेशन फीस है 1000 रुपए मेरे ख्याल विच, हाँ यस 1000 रुपए। सो ए बी ए दी अडिशनल फीस सी। मैं प्रोफेसर सर विशाल सर का स्पैशल शुकराना करता हाँ कि टाइम के नाल ये इनफॉर्मेशन देंदे ने तुहाडे तक पहुँचती है। कई स्टूडेंट ने शुकराना किया कि सर तुहाडे करके ये पता लग गया, मेरे करके नहीं पता लगा। वो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है जोड़ा इनक्वायरी सैल से बैठता है, वो बड़े ही हैल्पफुल ने, सो उन्हों का थैंक्स करना। बी एड की फीस प्रोसैसिंग फीस 120 रुपए है और 2040 रुपए जी है मेन फीस है, 550 रुपए जो इतने की सी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, वेरीफिकेशन फीस हो गई 2040 है, 550 है, इस तो इलावा कोई फीस नहीं है। नॉर्मली ये फीस उन्होंने होंगे हैं जो तो बी एड एडमिशन हो जाती है, तो एक समेस्टर कितनी फीस जाती है तुम पूछते भी हो, है ना। जे फीस के मैं एक वीडियो दसिया यूनिवर्सिटी चार्जिज की होंगे, ये एक समेस्टर के यूनिवर्सिटी चार्ज हैं, इस तो इलावा एक रिटर्न स्टूडेंट रिटर्न फीस होंगी, इस तो इलावा जाती है, ये फीस कॉलेज पे करता है यूनिवर्सिटी नूं, इत्थों तुसी देख सकते हो। सो इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ते गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दियां ये जदों भी डेट्स आ जांदियां ने, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ते दोनों पंजाब दियां डेट्स आने वाली ने, उन्हां नूं मैं पब्लिश कर देंगा, तुसी देख सकते हो। इस तो इलावा जे ये फॉर्म किस तरह भरने हैं इस दे रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है मैसेज करो, मैं उस ते अलग वीडियो बना देवांगा। डिसीजन आराम नाल लेना है, टाइम है, पहला बी एड सब तो जरूरी है, बी एड दे विच जो
चॉइस फिल करनी है जां सब्जेक्ट सही लेना है जां कॉलेज जाके माइनर सब्जेक्ट सही लेना है ना, उस दे बाद टीईटी दी सिलेक्शन टेस्ट दी सब दी गल करांगे। सो उन्हां नूं कर लो। ये फिलहाल तुहाडे को डेट्स हन एडमिशन दियां, फॉर्म फिल करन दियां। सो कोई गाइडेंस चाहिदी होवे जरूर मैसेज कर सकते हो मैनू, इत्थे कमेंट कर सकते हो। कमेंट रोज़ पढ़े जाते हैं, फिर भी फोन मेरे को बहुत मिस हुंदा है, साइलेंट ते हुंदा है। सो मैं कोशिश करता हाँ कि हर विद्यार्थी का जवाब दिता जा सके, पर संभव नहीं है। सो माफ़ी मंगता है। थैंक यू।